वेलकम बैक गाइस। आज का जो वीडियो है ये होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे टाउन हॉल 14 के ऊपर हाइब्रिड अटैक जो आजकल कहीं पे भी दिखने को नहीं मिलता। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। तो पहला जो अटैक है ये कर रहे हैं हम लोगों का क्लैन की डॉक्टर देवव्रत। तो ये जो बंदा है ये बहुत ही स्किल्ड प्लेयर है और हाइब्रिड आर्मी के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा पकड़ है। और बहुत सारे एंटी थ्री स्टार बेस जो किसी आर्मी से भी थ्री स्टार नहीं होता ये हाइब्रिड आर्मी से निकाल लेते हैं। तो पहला जो अटैक है इसमें टाउन हॉल डाउन हो चुका है और एनिमी क्लैन के सेल बाहर निकल चुका है। अभी लावा हॉन्ड डिस्ट फट चुका है और पॉइजन भी डाला गया है। आउटसाइड में सिजबेराक और किंग से फनल करते हुए हाइब्रिड को कोर पे पुश कर दिया गया है। पीछे है हम लोगों का ग्रैंड वार्डन और साथ में है रॉयल चैंपियन। तो अभी ईगल जो है वो लॉक हो चुका है हाइब्रिड आर्मी के ऊपर, तो ये बहुत ही बुरी बात है। सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने लॉक कर लिया है, नहीं रॉयल चैंपियन को नहीं लॉक किया है। अभी वार्डन एबिलिटी आ गया तो यहाँ कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ और ईगल भी डाउन हो चुका है। अभी एक हीलिंग स्पेल आया और स्केटर भी डाउन हो चुका है। अभी आउटसाइड फनल थोड़ा बहुत बन गया, उसके बाद तो किंग अंदर आ चुका है और किंग डाउन हो चुका, अटैकिंग किंग। और अभी जो है क्वीन एबिलिटी के साथ अभी भी ज़िंदा है और रॉयल चैंपियन डाउन हो चुका है। तो अभी एक सिंगल इन्फर्नो बचा है जो हाफ हेल्थ के साथ बचा है और टाइम अभी 30 सेकेंड बचा है। तो क्या लगता है गाइस, ये बेस्ट थ्री स्टार हो जाएगा? तो क्वीन हम लोगों की फुल हेल्थ के साथ है इसीलिए बेस्ट थ्री स्टार हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट अटैक। और ये जो अटैक है ये भी डॉक्टर देवव्रत का ही है और ये जो बेस है इसमें भी हाइब्रिड ही आर्मी यूज़ करा गया है। तो हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन जो है उनका 10 हॉग लेते हैं वो, और एक आइस गुलाम लेते हैं क्वीन के आगे टैंकिंग के लिए, ताकि कोई झंझट होगी क्वीन के ऊपर डायरेक्टली ना आके आइस गुलाम पे ही निपट जाए। तो अभी आइस गुलाम डिस्ट्रॉय होने के बाद ही वो अपना हीलर्स ड्रॉप करती है क्वीन के ऊपर। अरे रे रे, एक बलून यूज़ किया था फिर भी क्वीन के ऊपर हीलर्स के ऊपर आ गया एक एयरमाइन। ठीक है कोई नहीं, अभी एनिमी क्वीन है सामने आगे का थ्रेट। और ये जो बंदा है ये पहले अपना पाथ क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है, ना कि एनिमी क्लैन कैसल को टारगेट करने के लिए। और पाथ क्रिएट करते हुए एनिमी किंग आ गया तो हेड हंटर एनिमी किंग को संभाल लेगा। और दूसरे साइड हम लोगों का फनल बन रहा है किंग के द्वारा और सिजबेराक भी आएगा थोड़ा सपोर्टिंग के लिए। स्केलेज निकला है क्वीन के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे हिलर सभी भी ज़िंदा है। तो आउटसाइड फनल बनते हुए इस तरफ से एक वॉल ब्रेक किया गया है ताकि बहुत ही बेहतरीन फनल बने और सारे ट्रूप का जो पाथ है वो टाउन हॉल के ऊपर चला जाए। और अगर एनिमी क्लैन कैसल से कुछ निकलता है, जी नहीं एनिमी क्लैन कैसल से कुछ नहीं निकला, एनिमी क्लैन कैसल में शायद कुछ नहीं था। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंगल इन्फर्नो लॉक हो चुका है किंग पे, किंग डाउन हो चुका है हम लोगों का। क्वीन अभी टाउन हॉल के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, टाउन हॉल का कंपार्टमेंट लेने की ट्राई कर रहा है। एक फ्रीज आ गया स्केटर के ऊपर और टाउन हॉल के ऊपर। और अभी सिंगल इन्फर्नो दो बचा है बेस में और क्वीन जो है वो घूम गई है थोड़ा और रॉयल चैंपियन फंस गया है जो पॉइजन है पॉइजन पे। हीलर्स अभी क्वीन के पीछे है और क्वीन का एबिलिटी पॉप अप कर दिया गया है और स्केटर बचा है। बहुत ज़्यादा डैमेज स्केटर ने दिया सब ट्रूप्स को आर्मी को। अभी बेस 80% तक क्लियर हो चुका है। क्वीन के पीछे दो हीलर्स अभी भी जिंदा है, हार्टसे का एबिलिटी पॉप अप कर दिया है। अभी सिर्फ ग्रैंड वार्डन बचा है एनिमी में और कुछ नहीं बचा। तो बेस गाइस 3 स्टार हो चुका है। चले बढ़ते हैं अगले अटैक की तरफ। और अगला जो अटैक है ये है हम लोगों का जो आइलैंड बेस होता है ये बेस लेजेंड लीग पे या फिर सी डब्ल्यू एल पे
ग्लेनवर्न लेक पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत हर एक बंदा, हर एक 10 में से 3 बंदा 4 बंदा ये बेस यूज़ करता ही है। ये जो बेस है इसमें 12 क्लॉक से पुश कराया गया है। ट्राई कर रहा था टाउन हॉल के तरफ चार्ज करने के लिए ये इन्फिनो टेक डाउन करके, मगर क्वीन थोड़ा भटक चुका है और देखने वाली बात होगी क्या क्वीन अंदर जाएगी। मुझे तो नहीं लगता गाइस ये अभी क्वीन अंदर जाएगी। हाँ अभी अंदर जा सकती है और सिंगल इन्फिनो ने किंग को पकड़ लिया है, तो किंग का एबिलिटी पॉपअप कर दिया गया है और अभी तक क्वीन अंदर नहीं गई। तो इधर से अगर चले जाए अंदर तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ अभी क्वीन अंदर गई मगर पूरा घूम गया क्वीन, पूरा अटैक का जो है ना बैंड बज गया। तो अभी भी उम्मीद है क्योंकि अभी भी हाइब्रिड आर्मी हम लोगों का है, हम लोगों के पास। अभी आउटसाइड फनल की बारी है, आउटसाइड फनल बनाएगी सीज बैरक से और उसके बाद एनिमी क्लैन के सेल भी निकल चुका है। एनिमी क्लैन के सेल के ऊपर पॉइजन डाल दिया गया है, एनिमी क्लैन के सेल टेक डाउन हो गया है। अभी हाइब्रिड आर्मी का पुश, और हाइब्रिड आर्मी जो है वो डायरेक्ट कोर पे पुश किया जाएगा और एक हिलर देख रहा है इधर हाइब्रिड के ऊपर जा रहा है। तो ठीक है कोई बात नहीं, 3-4 हिलर अभी भी है क्वीन के पीछे तो एनफ है। अभी अगर क्वीन टाउन हॉल ले लेते हैं तो फिर बहुत बढ़िया, क्योंकि तो फिर पॉइजन पे हाइब्रिड आर्मी नहीं आएगा और आराम से हाइब्रिड आर्मी बहुत देर तक ज़िंदा रहेगी। ईगल लॉक हो चुका है हाइब्रिड पे, ये बहुत ही बुरा बात है वार्डन की एबिलिटी पॉप अप करते हुए। और अभी गाइस ईगल अभी भी जिंदा है और ईगल होने ही वाला है हम लोगों का। हाइब्रिड आर्मी रॉयल चैंपियन भी ईगल पे शिफ्ट हो चुका है, स्केटर डाउन हो चुका है, ईगल भी डाउन हो चुका है बेस में और ज़्यादा कुछ नहीं बचा। एक सिंगल इन्फिनो अभी तक ज़िंदा है जो कि रॉयल चैंपियन मुझे लगता है निकाल लेगी आराम से, और बाकी का क्लीन अप भी हो चुका है। तो ये बेस भी 3-स्टार हो चुका है गाइस। तो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट अटैक, और नेक्स्ट अटैक में क्या है। तो ये जो बेस है ये बेस अटैक किया गया है मास्टर दा के द्वारा, और ये बेस थोड़ा सा अलग अलग सा बेस है, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ बेस है। तो इसमें देखता हूँ कैसा अप्रोचेज रहता है। तो इसमें शायद पहले ईगल की पार्ट लेने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि ईगल को डाउन करने के बाद शायद, मुझे नहीं पता मैंने पहले अटैक किया नहीं देखा, तो ये देखता हूँ। तो सिंगल इन्फिनो लॉक हो चुका है क्वीन पे और एक फ्रीज इधर चाहिए। अच्छा इनविजिबल डाला गया है इधर, ठीक है कोई नहीं। अभी आउटसाइड फनल कर दिया गया है किंग के द्वारा, शुरू कर दिया गया है आउटसाइड फनल का जो प्रोसेस है वो। क्वीन अंदर ढकलते हुए क्वीन कोर में पुश कर रहा है, दो स्केटर शॉट ने क्वीन को पकड़ लिया। अभी तो बहुत ही स्पेल कॉस्टली हो जाएगा ये जगह। सीज बैरक भी आ चुका है इधर, हाइब्रिड डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। तो इस नैरो पाथ पे हाइब्रिड डिप्लॉय कर रहे हैं, क्वीन के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज। अभी क्वीन बचने वाली है या मर जाएगी। अच्छा एक फ्रिज डाला गया है क्वीन को सर्वाइव करने के लिए। लावा हॉर्न निकला क्लैन के सेल से, तो इसमें एक पॉइजन आएगा और बलून है, बलून जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी वार्डन की एबिलिटी बचा है, तो देखने वाली बात होगी वार्डन की एबिलिटी कब आएगी, क्योंकि बलून जो है बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है। और जो है ना लावा होल्ड इसको डाउन करने के लिए विजर्ड इसमें लॉक हो चुका है। एक पॉइजन अभी डाल दिया गया है बलून के ऊपर, डाला गया था फ्रीज आया एनिमी टाउन हॉल के ऊपर जो बहुत ही तगड़ा डिफेंस है। अच्छा वार्डन एबिलिटी अभी यूज़ किया गया है, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस किया गया है, बहुत अच्छा प्लान किया गया है। और जो है हेड एंटर सारे क्लीन अप कर रहा है और इधर ज़्यादा कुछ नहीं बचा, एक एक्सपो बचा था वो भी डाउन हो चुका है। अभी मोटर दिख रहा है एक, और पॉइजन ने बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया सारे आर्मीज को। तो फिर भी गाइस ये बेस 3-स्टार हो चुका है आराम से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ, और नेक्स्ट जो अटैक है वो भी देवव्रत के द्वारा किया गया था, और इसमें भी हाइब्रिड आर्मी ही यूज़ किया गया है। तो सेम कॉम्बिनेशन एक आइस गोलम डाल दिया गया है पहले ही ताकि क्वीन के ऊपर ज़्यादा डैमेज ना आए। कोकोलोन डाल दिया गया है, एनिमी क्लैन के सेल निकल चुका है और इसमें से निकला सुपर मिनियंस। जो अगर सुपर मिनियंस को उसको टेक डाउन करना आता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर जिनको भी टेक डाउन करना नहीं आता तो इनके लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सुपर मिनियन टाइम नहीं देती एकदम
बहुत ही कम टाइम देती है। सिंगल इंसन लॉक हो चुका था क्वीन पे, फ्रीज का बहुत ही बढ़िया टाइमिंग पे दिया गया फ्रीज को, और सीज पैराक को पकड़ लिया है टेस्ला फार्म ने। ये बहुत ही दुखद वाली बात है। तो ठीक है, कोई नहीं, फिर भी हो गया है। हॉक बहुत ही अर्ली निकल चुका है और हाइब्रिड आ चुका है हम लोगों के कोर पे। टाउन हॉल टेक डाउन हो चुका है क्वीन के द्वारा, रॉयल चैंपियन वर्सेस क्वीन, रॉयल चैंपियन भी टेक डाउन हो चुका है। नेक्स्ट जो बिल्डिंग है वो ईगल है, वो ईगल जाएगी क्वीन के एचएफएट में, और क्वीन ने ईगल को ऑलमोस्ट डाउन कर ही दिया। वार्डन का एबिलिटी पॉपअप कर दिया गया है क्योंकि स्केटर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। अभी एक हीलिंग स्पेल अभी भी बचा है, तो ये हीलिंग स्पेल का कहाँ आएगा यूज़ देखने वाली बात है। क्वीन जो है हम लोगों का वो डाउन हो चुका है, और हीलर जो शिफ्ट हो चुका है रॉयल चैंपियन के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्रीज आ गया है मल्टी इन्फनो पे, दो बलून था वार्डन पे शिफ्ट किया गया मगर कुछ नहीं उखाड़ पाया वार्डन का, और आरसी का एबिलिटी भी दिया गया, और बेस इसी तरह 3-स्टार हो चुका है। तो चलिए अगली अटैक के ऊपर चलते हैं। ये जो अटैक है ये किया था मैंने, तो इसमें मैंने जो प्लान किया था, इसमें मैंने प्लान किया था पहले पाथ क्रिएट करूँगा। तो पाथ कैसे क्रिएट करूँगा, पहले मैं इधर ईगल के साइड क्वीन डाल के थोड़ा एग्रो वगैरह लेने की ट्राई करूँगा, पाथ क्रिएट करने की ट्राई करूँगा, और एनिमी क्लैन के सेल जो है वो ट्राई करूँगा रॉयल चैंपियन से डाउन करने की। ये भी एक प्रोसेस होती है। तो मैंने रेज डाल दिया था क्योंकि आगे क्वीन किंग के साथ सामना होने वाली थी, हेड हंटर भी डाल दिया एक, तो किंग जल्द से जल्द डाउन हो जाए, और एक वॉल बैक किया ईगल का पार्ट खोलने के लिए ताकि जो एक्सेस है वो मिल जाए एक्सपो तक, सॉरी स्कैटर तक, और क्वीन उधर नहीं गया, तो ये बहुत बुरी बात है क्वीन का। जो फनल भी मैंने अच्छी तरीके से नहीं किया, फिर भी ठीक है। अभी आउटसाइड फनल की बारी है, सीज ब्रेक के द्वारा आउटसाइड फनल कर रहा हूँ, और हाइब्रिड थोड़ा अर्ली डेप्लॉय कर दिया मैंने, और हॉक भी डाल दिया। अभी क्वीन के ऊपर शिफ्ट हो चुका था स्केटर और हीलर के ऊपर, तो मैंने एक फ्रीज डाला, फिर भी हीलर के ऊपर ही शिफ्ट हो गया। मैंने दो फ्रीज डाला, एनिमी क्लीन के सेल में कुछ नहीं था इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने फ्रीज उधर डाल दिया, उधर पॉइजन भी डाल दिया एक क्वीन के ऊपर, वार्डन एबिलिटी डाला ताकि हीलर्स को कुछ डैमेज ना हो जाए। टाउन हॉल से पॉइजन का इफेक्ट बहुत ख़तरनाक है, क्या लगता है पॉइजन लेके डूब जाएगी हम लोग हाइब्रिड आर्मी को। मैंने हीलर के ऊपर एक रेज स्पेल डाल दिया क्योंकि पॉइजन की वजह से ना मरे, फिर भी पॉइजन ने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया हाइब्रिड आर्मी को, और आधे से ज़्यादा हाइब्रिड आर्मी इधर ख़त्म हो चुका है। और गाइस ईगल के ऊपर अभी ईगल भी डाउन हो चुका है, रॉयल चैंपियन ने ईगल को डाउन कर दिया। अभी बेस 80% तक डाउन हो चुका है, रॉयल चैंपियन का एबिलिटी भी गया, अभी क्वीन का एबिलिटी अभी जिंदा अभी भी है बचा। तो गाइस ये बेस 3-स्टार हो चुका है क्वीन एबिलिटी के साथ स्वैग करते हुए। नेक्स्ट अटैक जो है ये करेंगे हम लोग एक लाइव अटैक, और ये पिछले बार का एक अटैक था हाइब्रिड आर्मी के साथ मैंने ट्राई किया था। तो इस जो अटैक है इसमें इसको किया था मैंने, जो अपना नया सीज आया है फ्लेम फिंगर के थ्रू। ये जो आइलैंड बेसिस होते हैं इसमें फ्लेम फिंगर से अटैक करना बहुत ही आसान होता है, और आइलैंड का जो इन्फनो है ये मैंने टारगेट किया फ्लेम फिंगर से। तो हो जाए अगर फ्लेम फिंगर इसको निकाल ले तो बहुत बढ़िया, और क्वीन से ट्राई करूँगा क्लैन कैसल निकालने के लिए। अभी एक वॉल ब्रेकर आएगा क्लैन कैसल को जो पार्ट है इसको ओपन करने के लिए, दो बलून निकला क्लैन कैसल से, बाकी का नहीं निकला। अभी आरसी डाउन हो चुका है, अच्छा इलेक्ट्रोडागर निकला एनिमी क्लैन कैसल से। अभी एक पॉइजन आएगा, और इधर पकड़ चुका है फ्लेम फिंगर ने हम लोगों का जो डिफेंडिंग इन्फनो है इसको, और पनेल भी क्रिएट हो चुका है दोनों तरफ से। अभी हाइब्रिड आर्मी आएगा कोर पे रॉयल चैंपियन के साथ, और एक दो जायंट बम बहुत ही बढ़िया तीन जायंट बम बहुत ज़्यादा डैमेज दे चुका है ये,
अभी इसमें कोर पे दोनों स्कैटर को मैंने फ्रीज करा हुआ, फिर भी बहुत डैमेज मिल गया है वार्डन की एबिलिटी। गाइस किंग एबिलिटी देखने में, फ्लेम फिंगर अभी भी जिंदा है और फ्लेम फिंगर के अंदर हॉक है, क्यों ना फ्लेम फिंगर को ब्लास्ट कर दिया जाए और हॉक को ईगल पे लिया जाए, क्योंकि ईगल बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा है। ट्वेल्थ चैंबर की एबिलिटी दिया मैंने, सिंगल इन्फर्नो डाउन हो चुका है, ईगल डाउन हो चुका है, क्वीन की एबिलिटी अभी भी बचा है, हीलर्स है ट्वेल्थ चैंबर के पीछे, क्वीन के पीछे। और गाइस ये थ्री स्टार हो चुका है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि अभी 40 सेकंड बचा है और डिफेंस में कुछ नहीं बचा। अच्छा, और जो बचा है उसको तो माइनर्स और हम लोगों का ग्रैंड वार्डन ही निकल लेगी। और गाइस दो डिफेंस, लास्ट वन बचा है विजर्ड टावर, और गाइस ये बेस थ्री स्टार, तो फाइनली ये बेस थ्री स्टार हो चुका है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने क्लैनमेट्स के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो इस तरह का वीडियो देखने के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।